वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज दीपावली का दिव्य मंगलमय पर्व है। पराम्बा भगवती लक्ष्मी का, श्री गणेश जी के सहित तथा अन्य समस्त देवताओं का भी पूजन आज के दिन किया जाता है। दीपावली का महोत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके लिए शास्त्रों में, पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथाएं वर्णित हैं। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अन्य शास्त्रों में भी इसके पूजन के निमित्त विभिन्न मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार राजा प्रथु ने जब धरती ने सभी धन धान्य का गोपन कर लिया था तो राजा प्रथु ने पृथ्वी का, गोरूपिणी पृथ्वी का दोहन किया था। उससे प्रभूत धन धान्य की उपलब्धि हुई, समस्त प्रजाजन प्रसन्न हुए, सुखी हुए और राजा के इस पुरुषार्थ से प्रसन्न प्रजाजनों ने उनके सम्मान तथा धन धान्य के अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी की पूजा के निमित्त आज के दिन सहस्र सहस्र ज्योति का प्रकाश किया था। न केवल प्रसन्नता के लिए बल्कि भगवती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भी। प्रसिद्ध कथा है, समुद्र मंथन में भगवती महालक्ष्मी आज के दिन ही प्रकट हुई थी और उन्होंने प्रकट होकर के सबको धन धान्य से परिपूर्ण किया था। भगवान विष्णु का वरण भी किया था। इस निमित्त भी दीपावली पर्व मनाया जाता है। हमारे कन्हैया ने चतुर्दशी के दिन नरकासुर का संहार करके 16,100 राजकन्याओं को विमुक्त किया था और उन विमुक्त कन्याओं के आग्रह एवं प्रार्थना पर उन्हें एक सामाजिक गौरव प्रदान करने के निमित्त उन समस्त कन्याओं का एक साथ पाणि ग्रहण किया था। तो इस निमित्त भी द्वारिका वासियों ने प्रसन्नता ज्ञापन के लिए विजयोत्सव मनाने के लिए दीपावली महोत्सव मनाया था। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है कि पांडव जब 12 वर्ष के वनवास के अनंतर लौट करके राजधानी में आए थे तो उनके स्वागत और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए दीपमाला सजाई गई थी।
भगवान श्री रघुनाथ ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर पराम्बा भगवती सीता के सहित अयोध्या में जब पुनरागमन किया था वनवास की दारुण विरह व्यथा का निवारण किया था, तो अयोध्यावासी तथा भगवान रघुनाथ के भक्तों ने अपने हृदय की प्रसन्नता के निमित्त भगवान श्री रघुनाथ, भगवती जानकी तथा लक्ष्मण जी तथा अन्य विजयी सेनापतियों का स्वागत इस दीपावली की रचना करके मना करके अपना उत्साह प्रकट किया था। कहीं कहीं ऐतिहासिक दृष्टि से जब सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिकार किया था, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी, उन्हें नियंत्रित किया था, तो उस निमित्त भी प्रजाजनों ने प्रसन्न होकर के दीपमाला की रचना की थी। जो भी हो, मूल में ये स्पष्ट होता है कि अत्यंत परिश्रम पूर्वक उपार्जित श्रेय की प्राप्ति के निमित्त श्रेय प्राप्तकर्ताओं की प्रसन्नता तथा अपने हृदय के प्रेमोद्गार को प्रकट करने के लिए दीपमाला सजाई जाती है, लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। पुरुषार्थी जनों के निमित्त ही दीपमाला सजाई जाती है। जो पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थिनम सिंहमपई की लक्ष्मी, जो पुरुषार्थी हैं, लक्ष्मी उनका वरण करती है, इन कथानकों से भी स्पष्ट होता है। तथा महाभारत में दान पर्व में वर्णन आया है कि लक्ष्मी जी बताती हैं कि मैं कहाँ निवास करती हूँ, तो माता जी ने कहा, वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधेन देव प्रत्येक देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्य मुदीर्ण सत्वे। मैं कहाँ निवास करती हूँ, तो उसके उस व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन है जो अपने कर्मों में दक्ष हो और जो श्रेष्ठ कर्मों में ही संलग्न हो, जो क्रोधी न हो, जो देवताओं का पूजन करने में संलग्न हो, जो कृतज्ञ हो तथा जो संयमी हो, इंद्रियों का नियमन करने वाला हो और नित्य उदीर्ण सत्व वाला हो, ऐसे व्यक्ति के पास में रहती हूँ। स्वधर्म शीलेषु च धर्मविद्सु वृद्धोपसेवा निरते च दाने कृतात्मनि क्षान्ति परे समर्थे क्षान्तासु दान्तासु तथा बलासु। जो अपने धर्म में, अपने आचरणों में शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाला है, जो स्वभाव से ही शीलवान है, धर्ममान है, जो नित्य वृद्धों की सेवा करने में संलग्न है,
जो दान करता है, कृतात्मनि क्षांति परे समर्थे, जो क्षांति समर्थ है, जो शांत और दांत है, ऐसे व्यक्ति के घर में मैं निवास करती हूँ। लक्ष्मी देवी का आज पूजन किया जाता है, क्योंकि वेद में श्री सूक्त में वर्णन आया है, पराम्बा भगवती अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुषताम देवी सर्व कामांश्च देहि में, पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्तस्वादि गवेरथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करोतु मे। ए पराम्बा भगवती लक्ष्मी, आप हमको सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं, आप स्वयं ही महाधना हैं, मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। न केवल धन धान्य अपितु पुत्र पौत्र आदि से भी हमें संपन्न करें। हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवती का पूजन करने के लिए ये आवाहन मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र का विभिन्न रूप से अनुष्ठान करने से पराम्बा भगवती लक्ष्मी के विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भगवती को बुलाते समय काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहोय श्रियम। हे पद्मस्त माता, कमल के ऊपर विराजमान माता, आप पद्मवर्णा हैं, आप सभी प्रकार के ऊपर, सभी जनों के ऊपर करुणा करके आर्द्राम करुणा विगलिता हैं। ऐसी पराम्बा भगवती लक्ष्मी, मैं आपका पूजन के लिए आवाहन करता हूँ। दीपावली पूजन के पूर्व आसपास के क्षेत्रों के सहित अपने घर का भी प्रक्षालन किया जाता है, थोड़ी मरम्मत करके, लिपाई पुताई करके, रंग रोगन करके, कीड़ों के निस्तारण इत्यादि पूर्वक, मकड़ी के जालों इत्यादि को दूर करके घर को उनके स्वागत के योग्य बनाया जाता है। इससे प्रदूषण की निवृत्ति होती है। ननक वस्तुतः प्रदूषण ही है, प्रदूषण भी है ही नहीं, प्रदूषण भी नरक प्रदान करने वाला है, नारकीय कष्टों को प्रदान करने वाला है। महालक्ष्मी के पूजन के निमित्त से उसका भी निवारण करा जाता है। घर को प्रकाश से सुसज्जित, घर को प्रकाश से परिपूर्ण किया जाता है, और प्रमाद रहित हो करके उस दिन रात्रि जागरण किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के अनंतर अध रात में सूप बजा करके लक्ष्मी का निवारण भी किया जाता है। प्रातः काल उठ करके धरती माता जागो इत्यादि कहते हुए छोटे छोटे बालक जो पहले दिन के दीपक हैं उनका भी संचयन करते, कहीं वही न प्रदूषण के हेतु बन जाएं, तो उनका संचयन करके उनका विसर्जन किया जाता है। कीट आत्मच्छर इत्यादि का भी विनाश किया जाता है, आहार विशेष का ग्रहण किया जाता है, विशेष प्रकार से स्नान आदि का भी आचरण किया जाता है। ये सब के सब रोग निवर्तक हैं। इन दिनों में जैसा हम लोग जानते हैं बहुत प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये आज नहीं बहुत काल से हो रहे हैं, हमारे ऋषियों ने उनके निवारण के लिए विशेष प्रकार के ये आयोजन किए थे, विशेष प्रकार के सुरक्षा संरक्षा के उपाय रचे थे। इसका सामाजिक महत्व भी है, धन कुबेर से लेकर के और मजदूरी करने वाला भी
अपने अपने भाव से आज के दिन महालक्ष्मी का पूजन अवश्य करता है। बड़ा व्यापक ये पर्व है, जहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तथा अटक से लेके कटक तक सर्वत्र संपूर्ण भारत में तो ये मनाया ही जाता है। देश विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय रहता है वहाँ भी अपने अपने वहाँ की व्यवस्था के अनुसार महालक्ष्मी का पूजन गणपति पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी रात्रि को विचरण करती हैं, देखती हैं कि कौन पुरुषार्थी व्यक्ति जागरूक होकर के मेरा पूजन कर रहा है, कौन सा घर मेरे रहने योग्य स्वच्छ और प्रच्छालित है। तो इसका माने जो पुरुषार्थी हैं, जो प्रमादी नहीं हैं, जागरूक हैं, जागरण जागरूकता का प्रतीक, उद्यमशील हैं, ऐसे पुरुष सिंह को महालक्ष्मी उपैति माने स्वीकार करती हैं। इन सब लक्षणों के द्वारा हम सावधान हो करके अपने धर्म, अपने देश तथा राष्ट्र एवं समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी बनने की चेष्टा करें और इस रूप में विराट की और पराम्बा की उपासना करके विवेक के द्वारा, गणपति की उपासना के द्वारा विवेक की प्राप्ति पूर्वक अपने कृत्यों का धर्मशील होकर के अनुष्ठान किए हुए अपने कृत्यों के द्वारा महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और सर्व प्रकार से मंगल मांगल्य का उपार्जन करें। दीपावली बड़ा मंगलमय पर्व है। आप समस्त श्रोताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं तथा विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी संतों महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों और विप्रदेवों को प्रणाम कर उनकी मंगल कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।